आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स का सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पे करना है या एडवांस टैक्स कैसे पेमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च करना है incometax.gov.in, ठीक है। ये वेबसाइट पे आपको जाना है। इस वेबसाइट में आगे नीचे आप जाएंगे तो ये एक ऑप्शन होगा ई पे टैक्स, राइट। इस पर क्लिक करना है आपको, देन आपको कंटिन्यू करना है। ये एक नया विंडो ओपन होगा, ठीक है। इसमें ये बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आपको जो बेसिकली सिलेक्ट करना है और चालान नंबर 280 सिलेक्ट करना है, ठीक है। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, असेसमेंट टैक्स, रेगुलर टैक्स, तो बेसिकली ये इनकम टैक्स के लिए, राइट। तो चालान मेक श्योर चालान 280 एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये विंडो ओपन होगा। इसमें देखिए दो ऑप्शन है, टैक्स एप्लीकेबल कॉरपोरेट टैक्स, मतलब आप कंपनीज हैं जो पेमेंट कर रहे हैं अदर देन कंपनीज, इनकेस आप इंडिविजुअल हैं, नेचुरल पर्सन हैं, तो आपको अदर देन कंपनीज पे टिक करना है। इनकेस आपकी कंपनी है, कंपनी का टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है, राइट। तो इनकम टैक्स पे आपको यहाँ करना है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, राइट। तो पहला ऑप्शन है एडवांस टैक्स। अगर आप 31 मार्च से पहले, मतलब ईयर एंड से पहले आपकी एडवांस टैक्स जमा कर रहे हैं तो यहाँ आएगा। इनकेस आप ईयर एंड के बाद अपना टैक्स पे कर रहे हैं तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से आपको नेट बैंकिंग में कौन सा बैंक है वो सिलेक्ट करना है। लेट सपोज मैंने PNB कर लिया, आप अपना पैन नंबर डालेंगे, ठीक है। असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है, जो अभी ITR जाएंगी सितंबर 2021 तक, तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 21-22। सो मेक श्योर जो भी आप ये असेसमेंट ईयर फिल कर रहे हैं वो ठीक है। अगर ये गलत हो गया तो इनके आपको दोबारा पेमेंट करना होगा, राइट। यहाँ पे एड्रेस आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। ई पिन नंबर देंगे, ईमेल आईडी आपकी हो जाएगी, ठीक है, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको कैप्चा फिल करना है, सॉरी VBS, ठीक है। इसको ये सब डिटेल फिल करने के बाद, मतलब एक बार मैं दिखा देता हूँ, अदर देन कंपनीज इनकम टैक्स ये हो जाएगा, ठीक है। इनकेस आप इंडिविजुअल हैं, कंपनीज हैं, तो कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। एंड आपका अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब बैलेंस टैक्स, तो यहाँ आएगा। एडवांस टैक्स कर रहे हैं तो यहाँ आएगा, बाकी के ऑप्शन इतने रेलिवेंट नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया, बैंक कौन सा है, ठीक है। नेट बैंकिंग आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने नेट बैंकिंग के थ्रू कर लिया। पैन नंबर डालेंगे, असेसमेंट ईयर डालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट असेसमेंट ईयर पैन नंबर होता है, ठीक है। ये सही है तो ही आपको बेनिफिट होता है, अदरवाइज आपको पेमेंट दोबारा करना पड़ेगा। आपने बेसिक अपना एड्रेस डाल दिया एंड आपने कैप्चा डाला, उसके बाद प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये आपको समरी देगा कि टैक्स एप्लीकेबल 21-300 ये कोड दे रहा है बेसिकली नेट बैंकिंग। जो आपको यहाँ पे चेक करना है, एक तो पैन नंबर, नाम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट 21-22। तो यहाँ पे ये देता है कि ये जो इसका रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर है वो 2021 होगा, ठीक है। तो 2021 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर 21-22 कहलाएगा। एड्रेस हो गया, ये सब डिटेल कंफर्म करने के बाद आपको आई एग्री पे टिक करना है एंड सबमिट टू बैंक। देखिए यहाँ के बाद आप सिर्फ बैंक के साइट पे चले जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये आपका बैंक का पार्ट है बेसिकली, हर बैंक का अपना अलग फॉर्मेट हो सकता है ये, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बेसिक टैक्स, चार्ज, एजुकेशन साइड, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर। तो आपको जो टैक्स का पेमेंट करना है, इतनी टेंशन नहीं लेनी कि इंटरेस्ट कितना है, सारा कुछ टोटल पेमेंट आप इधर भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 12,500 पेमेंट करना है, जिसमें मेरी पेनल्टी भी थी, मेरा इंटरेस्ट भी था, सारा कुछ था। तो आप यहाँ पे बेसिक टैक्स में सारा कुछ डाल के सबमिट करके पे कर सकते हो, तो यहाँ से वो सभी कुछ का एडजस्टमेंट हो जाएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स सब, ठीक है। तो ये जस्ट कन्फर्मेशन के लिए आ गया और मैं इसको सबमिट करूँगा, तो ये आगे मेरी लॉगिन डिटेल ये सब मांगेगा, ठीक है। तो आगे नॉर्मल है, आपको पता ही है कि नेट बैंकिंग से कैसे पेमेंट करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।